नहीं, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल ने भी थोड़ा राहत का ही रुझान दिखाया है और अब 80 के रेंज में दिख रहा है। 80 से थोड़ा नीचे भी आ गया था, बल्कि 76 के आसपास आ गया था और उसके बाद अभी वापस ये 80 के आसपास दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये भी कूल ऑफ है। और जो हमने पहले बात की थी कि कच्चा तेल हो या डॉलर की चाल हो, बॉन्ड यील्ड हो, ये सारी चीजें हमें बहुत एकदम साफ साफ दीवार पे लिख के बता रही हैं कि जो भी जियो पॉलिटिकल इश्यूज हम सोच रहे थे वो सब चीजें बाजार ने ठंडे बस्ते में डाल दी हैं। आज की तारीख में कोई नहीं मान रहा कि वहां पे कोई चीज एग्रीवेट होने वाली है, कोई चीज बहुत एस्केलेट होने वाली है। लेकिन पता नहीं, ये जो है ना बात भरोसा करने का लगता नहीं है आज के तारीख में। जो ये सुप्रीमेसी वाली चीजें चल रही हैं कि मैं सबसे बड़ा, या मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा दावेदार, इसके कारण ईगो ऐसी चीज है ना कि आपको कब गलत स्टेप लेने पे मजबूर कर दे, इसका कहा नहीं जा सकता है। और हर कंट्री, जो बड़ी कंट्रीज हैं, अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। वो आज है, कल है, परसों है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है आने वाले वक्त में। मैं इसको बिल्कुल ना करके तो नहीं चल रहा। हालांकि एक चीज बिल्कुल पक्का है, बर्बाद होंगे तो सभी होंगे, कोई एक अकेला नहीं होगा। आज के तारीख में बैलेंस ऑफ पावर है। आपके पास एक अगर एयरक्राफ्ट है तो मेरे पास चार है, मेरे पास चार है तो आपके पास दो है, यही है, लेकिन है सबके पास। और न्यूक्लियर बॉम्ब भी सबके पास है, कब किसका दिमाग खराब होता है कोई नहीं जानता है। तो इस चीज को कभी भी पूरी तरह से रूल आउट करके चलना मेरे हिसाब से कॉम्प्लेसेंसी होगी। और बैलेंस ऑफ पावर ही एक ऐसी चीज है जो कि इस, हो सकता है, लड़ाई को बहुत आगे नहीं बढ़ने दे। तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, सप्लाई बॉटलनेक क्रिएट होता रहेगा, इससे हमारा पीछा नहीं छूट सकता, ये नहीं होगा। तो ये एक बात हो गई। अब रही बात ब्रेंट की, तो ब्रेंट का मन ही पढ़ना होगा, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा है इससे ज्यादा कि डिमांड कहाँ है। अभी तक तो डिमांड मुझे नहीं दिखती, और इसलिए ब्रेंट को पुश करने के लिए मेन जो हमें चाहिए वो चाहिए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में कोई ऐसी डिसरप्शन हो जिसके कारण जो गल्फ से मेन है ऑयल सप्लाई, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क आए, जिसका कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं है। जब तक ये एविडेंस नहीं है, और दूसरी चीज, अगर कहीं पे ओपेक प्लस फिर से कार्टेलाइजेशन करके ऑयल सप्लाई को कम करने में लग जाए, प्राइस को मेंटेन करना चाहे, अगर ऐसा नहीं है तो ऑयल की ट्राजेक्टरी सिंपली डाउन। आपने जो ऑयल का चार्ट लगाया था उसमें आपने 200 EMA में लगाया था, ये जो ब्रेकडाउन है आपका लॉप साइडेड हेड एंड शोल्डर, जिसको आप थोड़ा कह सकते कि एक तरफ का कंधा उचका हुआ है, ये लॉप साइडेड हेड एंड शोल्डर्स में होता है ऐसा है कि आपका बॉटम रीटेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझे वो ट्रेंड लाइन लगाने से अच्छा है आप 200 EMA लें, बिकॉज ये यही नहीं, जो आप प्रॉब्लम। हेड एंड शोल्डर कह रहे हैं वो मैं उसको पर रखने की कोशिश कर रहा था कि वो हेड एंड शोल्डर यही है क्या? है वैसा ही लेकिन इतना क्लीन नहीं है। हेड एंड शोल्डर्स के डेफिनेशन होते हैं कॉम्प्लेक्स, मल्टी हेड मल्टी शोल्डर, बहुत तरह के डेफिनेशन होते हैं, उसमें फिगर आउट करना पड़ता है। आपने जो किया है वो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन मेरे डेफिनेशन में इसका जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को, वैसे आपका एक नेकलाइन वैलिड है बिकॉज आप जैसे ही नेकलाइन से टूटा है वो लाल कैंडल बहुत बड़ी है, तो ये जी, नेकलाइन की वैलिडिटी है, इसको ये ना सात नहीं नंबर किया। की हाँ, लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक जैसा जो बिहेवियर था उसको अवॉइड करना चाहते हैं, जो नेकलाइन हम बना के रखते थे और फिर भी टूट के 200 EMA के पास जाके वहां पे थोड़ा सा नीचे जाके वापस आ जाए, उस बिहेवियर को रीड करने के लिए नेकलाइन बीट होने का मतलब आप यहाँ से कॉशन ले लीजिए, और 200 EMA बीट होने का मतलब आप यहाँ से कंफर्मेशन ले लीजिए। एंड देयरफॉर आपका जो लेटेस्ट टॉप बना है, जो पी लेटर देख रहे हैं आप, जो राइट साइड में है, उसके जस्ट बाजू का जो टॉप है आपके चार्ट में, वो अब उस टॉप पे ध्यान रखिए, बिकॉज इसको डिस्पाइट एवरीथिंग व्हाट वी हैव टू रीड इज अ लोअर हाई स्ट्रक्चर, जी। ब्रेकडाउन ऑफ हेड एंड शोल्डर रिजल्टिंग इन टू लोअर हाई स्ट्रक्चर एंड मतलब लोअर एटी लोस। फोर के ऊपर जब तक ये नहीं लौटेगा तब तक इसमें कोई नई चाल इसमें नहीं बनेगी। और क्या फिलहाल ये मान लिया जाए कि ये जो नीचे वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये इसका एक मतलब तार्किक मंजिल है, इसकी यहाँ पर पहुंचने की इसकी पूरी इच्छा है इस समय?
देखिए 84 नहीं रखिए, इसके लिए 84 के नीचे है तो डाउनवर्ड मोमेंटम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर 89-90 के नीचे है तब भी इसका डायरेक्शन डाउन ही है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इतना साफ नहीं दिखेगा जी। 84 के नीचे बहुत बड़ी बात है कि इसका मोमेंटम, डाउनवर्ड मोमेंटम बहुत तेज है, एंड देयरफॉर 70 तक जाने के फिर से चांसेस आपके रहेंगे। ये ट्रेंड लाइन उतना वैलिड नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट आते हैं और मल्टीपल सपोर्ट में लोअर ब्लिप आता है, इसलिए 70-71 तक जाने के चांसेस रहेंगे जी। तो मतलब 70 से 74 के बीच में कहीं भी एक नया बॉटम बनेगा इसका। जी बिल्कुल। तो जो क्रूड के ट्रेडर हैं वो इस चार्ट को ध्यान में रख सकते हैं, और साथ में इसमें देख लेते हैं एमसीएक्स की भी कहानी क्या बन रही है। एमसीएक्स में इसका जो चार्ट दिखा रहा है हमें जी, तो एमसीएक्स में अभी ये 6,333 के आसपास है। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे हम 70 की बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से क्या ये कहा जाए कि ये लगभग 1,000 पॉइंट नीचे जाने के लिए तैयार दिख रहा है? 5,500 के नीचे इसको बंद दिला दीजिए और फिर प्रेस डाउन, अदरवाइज 5,500 पे रुक जाएगा। इसका स्ट्रक्चर उतना क्लीन नहीं है जितना ब्रेंट का है, लेकिन अल्टीमेटली ये बनता, ये भी तो ब्रेंट के बेसिस पे ही है, तो 5,500 के आसपास रुक जाना चाहिए। तो 5,500 तक फिलहाल इसकी चाल यहाँ दिख रही है जी।